नमस्कार, मैं विनोद शर्मा, लाइव अपडेट के साथ फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मैं अभी चौपाल के मांदल गांव में हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो हम जिसकी ऑर्चर्ड में आए हुए हैं, उनका नाम है दीपक। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करते कि आपके ऑर्चर्ड में कौन कौन सी वैरायटी लगी है और ऐसे स्थिति में कैसी परेशानी हो रही है आपको मौसम की, कि सूखा है, इनकी साइज भी बहुत वीक है। तो चलिए दीपक से मिलाते हैं। ये है हमारे दीपक। सबसे पहले आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पे। धन्यवाद सर आपका। तो जैसे हम देख रहे हैं आपके ऑर्चर्ड में हमने विजिट किया है इस टाइम, तो ये कौन सी वैरायटी लगी है? एकदम लाल दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल खून की तरह है। ये है सर रेड ब्लॉक्स। ये अच्छा, रेड ब्लॉक्स लगी है, ये जो वैरायटी है ये रेड ब्लॉक्स है। आपने ये ब्रांच ग्राफ्ट किया है? ग्राफ्ट किया सर। ये है तो सीडलिंग पे है? सीडलिंग पे है सर। ठीक है, और आपके जो बाकी और चढ़ में कौन कौन सी वैरायटी लगी है? वैरायटी तो हर चीज लगी है, जेरोमाइन एंड स्कालर टू, स्कालर टू है, अच्छा थ्री है, चीज है। हाँ जी, लगी है वैरायटियां तो। ठीक है, लेकिन जो सामने दिख रही है, जो कि जैसे कि देखेंगे अली वैरायटी है, जो जेरोमाइन वगैरह, स्कालर टू, रेड ब्लॉक्स है, रेड ब्लॉक्स है। हाँ जी, हर प्रकार की वैरायटियां है सर। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है। और साइज मैं देख पा रहा हूँ आपकी ऑर्चर्ड में साइज भी थोड़ा सा वीक है। साइज वीक है सर, थोड़ी सी घनी फसल है। हाँ, बहुत ज्यादा क्रॉप है, उसकी वजह से थोड़ा सा ना, थोड़ा सा उस वजह से बिल्कुल वीकिंग वीक है। तो आपको क्या परेशानी रही आज तक जो आपने ये बनाया है, कैसी परिस्थिति रही आपकी? सूखे जैसा सूखा था हमारे पीछे चला हुआ कई दिनों से। तो सर हमारे अभी हाल ही में आज हुई बारिश सुबह थोड़ी सी सर, और फिर साइज इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, क्या बोलते हैं आप इसके बारे में? साइज इम्प्रूव हो जाएगा शायद, लग रहा है कि बारिश जिस हिसाब से बारिश हो रही है अब शायद होने में ऐसा लग रहा है कि साइज हो जाएगा इम्प्रूव। और अभी क्या आप हार्वेस्टिंग का कितना समय है अभी आपके पास? हार्वेस्टिंग का समय तो है अभी कुछ थोड़ा सा, लगभग मान के चलो कि 15-20 दिन मान। अच्छा, 20 से 22 दिन आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे? जी, जी सर। चलो ठीक है, तब तक तो साइज भी काफी बन जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, ये माल जो आपका बिल्कुल जेरोमाइन है, आपका स्कालर थ्री है, स्कालर टू है, रेड विलॉक्स है, ये तो बिल्कुल आपका हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो इसकी हार्वेस्टिंग कब करोगे आप? बस 10 तारीख तक ये हो जाएगी। अच्छा, ये 10 तारीख तक आप इसको हार्वेस्ट करेंगे? हाँ जी सर। काफी बेहतरीन क्रॉप लगी है आपके ऑर्चर्ड में। तो चलिए दीपक जी, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके यहाँ पे ऑर्चर्ड है ये कितने एलिवेशन पे लगा है, यहाँ की जो प्रॉपर हाइट है कितनी है, अप्रोक्सीमेटली हाइट है जो आपकी यहाँ पे? प्रॉपरली हाइट तो सर यहाँ की अब लगभग 7000 के करीब है शायद। 7000 के करीब है आपकी हाइट यहाँ की ऑर्चर्ड की, जो आपका ऑर्चर्ड है। हाँ जी। जो चलिए, तो आपके पास तो अभी काफी समय है हार्वेस्टिंग करने के लिए, तब तक तो आपका साइज भी बन जाएगा। तो जो जैसे मैं देख रहा हूँ स्पर की वैरायटी है आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो इसकी हार्वेस्टिंग आप कब करोगे? ये सर हार्वेस्टिंग इसकी जो जेरोमाइन वगैरह है, स्कालर टू, स्कालर है, रेड ब्लॉक्स है, स्कालर थ्री है, स्कालर टू है, सर ये 10 तारीख तक हमारा निकल जाएगा, मतलब 10 तारीख तक आप कर लेंगे। हाँ जी, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपसे मिलके खुशी हुई। हमारे